प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय में पिछले वीडियो में आपने चौथा अध्याय एक पुरानी कथा का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में उसी कहानी का शेष भाग पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि किसी नगर में एक मछुआ और मछुई रहते थे। दोनों निर्धन थे। मछुआ मछली पकड़ता था और मछुई अन्य काम करके अपना जीवन यापन करते थे। मछुए को एक दिन एक छोटी मछली झाड़ में फंसी हुई मिली, छोटे से गड्ढे में। वह उसे बचाता है। मछुई के कहने पर मछुआ मछुई मछली से अनेक चीज़ें मांगता है। अंत में मछली रुष्ट हो जाती है और कहती है, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। अब इसी के आगे देखिए, मछुआ और मछुई दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यहीं कहानी का अंत हो जाता है। कहानी पुरानी है, इसकी एक बात भी सच नहीं है, पर इसमें लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष है, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूं। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए से को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना क्यों करती? यदि उसकी स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली बार अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ जानती है। किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ याचना की तो उसकी शक्ति से बाहर थी। जो उसकी शक्ति से बाहर थी, क्या उसकी शक्ति से बाहर था? मछुई ने मछुए से कहा था कि जाइए मछली के पास और मांगिए कि सूर्य चंद्रमा और बादल सभी मेरी आज्ञा मानने लगे, सभी मेरी आज्ञा मांगने लगे। किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ याचना की तो उसकी शक्ति से बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप दे बैठी। वह भूल गई कि उसी मछुए की मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। यदि मछुआ उस छोटे से गड्ढे से निकालकर उसे नदी तक नहीं पहुंचाता तो शायद मछली उसी गड्ढे में अपना दम तोड़ चुकी होती। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी पत्नी को समझा देना। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों की को महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम
यह तो निःसंकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, पर हम यह नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। ज्यों ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को तो न भूलना चाहिए था। राजा बनाने के बाद उसे एकदम से भिक्षुक बना देना उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उसे कहता, देवी मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो यह काम निस्वार्थ भाव से किया था, अपनी स्त्री के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने याचना की, तुमने भी याचना स्वीकार की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं उत्पन्न कर दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति में संतुष्ट थी, तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई जिन्हें तुमने पूर्ण भी किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया था उस सब को इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है और दया भी नहीं है तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही सभी बच्चे इसी पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।